Hello students, in the previous lecture we discussed about the universal law of gravitation which is applicable for two point masses. ठीक है, अगर point masses लेते हैं तो उनके बीच कितना gravitational force लगेगा, उसका magnitude होगा F is equal to g m1 m2 by r square. R is distance between these two point masses. ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर कोई ऐसी चीज़ है, मतलब extended mass है तो लाइक अर्थ, तब क्या करेंगे? तो हम कैसे ये जो है वो रूल लगाएंगे? सपोज़ मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, सपोज़ हम अर्थ ही ले लेते हैं और यहाँ पर कोई पॉइंट मास है m, तो ये दोनों के बीच में मुझे पता है कि अर्थ का मास, मास ऑफ अर्थ, मैं m e ले सकती हूँ. लेकिन अगर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे g m1 m2 by r square, तो r जो डिस्टेंस है वो हम कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, कहाँ से लेना है, वो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है. तो ये जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये जो डिस्कशन कर रहा है वो आगे भी आपको ट्वेल्थ में भी उसका यूज़ जो है वो आएगा, तो आप बहुत ध्यान से ये चीज़ देखना. मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, होलो स्फेरिकल शेल. मेरे पास क्या है, होलो स्फेरिकल शेल. आपको पता है होलो है मतलब अंदर जो है वो कुछ भी नहीं है, स्फेरिकल शेल है. ओके, तो मतलब मेरे पास ऐसा कोई, मतलब आप जो आपकी रिंग ले लो, है ना, ऐसी कोई चीज़ है मेरे पास. तो ये जो शेल है, मैं दो बात आपको बताऊंगी. इसके इनसाइड अगर मैं कोई पॉइंट मास रखती हूँ तो उस पर वो जो शेल है वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, एक मुझे ये बात बतानी है. और दूसरी बात, आउटसाइड, मतलब शेल के आउटसाइड कोई पॉइंट मास है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, वो हमें फाइंड करना है. पहली एक चीज़ ये है हमारे पास कि ये जो शेल है उसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी इक्वल है, मतलब यूनिफॉर्म है. मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ये शेल है, कहीं से पतला है, कहीं से मोटा है, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म है, पूरा एक सा है. मतलब कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक सब जगह पर एक सा होगा, ऐसे आप सोच सकते हैं. तो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है कि ये आपके पास ऐसा शेल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट मास मैंने रखा है m. तो मेरा क्वेश्चन है कि शेल की वजह से इस पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, वो मुझे फाइंड करना है. ठीक है, तो मैं पहले क्या करती हूँ, ये जो शेल है उस पर से कोई भी दो जो पॉइंट मास है वो मैं ले लेती हूँ. इसका सपोज मैंने नंबर वन दिया है, इसे टू और थ्री बोल देते हैं. ठीक है, मैं इसके लिए ये जो है आंसर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वो मैं पहले फाइंड करूँगी, उसके बाद उस पर से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं. ठीक है, देखिए पहले मैं ये बात करूँ कि ये जो टू है वो वन पर फोर्स लगाएगा, है ना, तो ये जो पॉइंट टू है पॉइंट वन पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डिरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी. टू अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब ये जो है ये फोर्स इस तरफ लगेगा, उसे हम क्या बोल सकते हैं, एफ वन टू, वन पर टू की वजह से फोर्स लग रहा है इसलिए. ऐसे ही थ्री है वो वन पर फोर्स लगाएगा, उसकी डिरेक्शन किस तरफ होगी, वो इस तरफ होगी. ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो है एफ वन थ्री. तो देखिए ये जो दोनों वेक्टर है, आपको पता है उनका एडिशन जो होता है उसका रूल पता है, जब दोनों की टेल ऐसे मैच होती है तब रिजल्टेंट हमें किस तरफ मिलेगा, इस तरफ मिलेगा. मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है वो किस तरफ मिला, तो ये जो शेल है उसके सेंटर की तरफ मिला. दूसरी ऐसे भी चीज़ आप सोच सकते हैं, एफ वन टू के दो परपेंडिकुलर मिलेंगे कॉम्पोनेंट्स, एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा. ठीक है, ऐसे ही F13 के भी तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा. तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर है वो कंपोनेंट, वो एक मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये वो तो कैंसल आउट हो जाएंगे. मतलब कि रिजल्टेंट आपको किस तरफ मिला, क्या बोल सकते हैं कि ये इसका जो सेंटर है उसकी तरफ, शेल का जो सेंटर है उसकी तरफ आपको रिजल्टेंट फोर्स मिला. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे मैंने ये दो लिए हैं, इसकी वजह जगह मैं ये दोनों भी ले सकती हूँ, अगर मैं ये दोनों पॉइंट लूँ तो भी ऐसा ही होगा, ये दोनों भी
जो फोर्स लगाएंगे इस तरफ होगा, उसका रिजल्टेंट बीच में ही आएगा। तो मतलब कि आप किसी भी पॉइंट को लेकर ये चेक कर सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो किस तरफ आएगा, तो जो शेल है उसके सेंटर की तरफ। तो देखिए रियल में क्या है, जो सेंटर है, सेंटर पर तो हमने कुछ नहीं रखा, ये तो हॉलो है, मतलब कि अंदर तो कोई मास है ही नहीं, फिर भी फोर्स लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, तो ये जो शेल है उसके सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर हम ऐसा हॉलो स्फेरिकल शेल लेते हैं और उसके आउटसाइड कोई पॉइंट मास रखते हैं, तो शेल की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो शेल के सेंटर की तरफ। मतलब कि हम सोच सकते हैं कि भले यहाँ पर पूरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, फिर भी पूरा जो मास है वो यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, इसके सेंटर पर, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो अब अगर हमें इन दोनों के बीच में अगर हमें लिखना है, इसका पूरा मास कैपिटल M अगर बताए, तो ये दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, वेर आर जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये जो हमारा शेल है उसके सेंटर से ये जो हमारा पॉइंट मास है दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। पहले हमें कन्फ्यूजन था आर कौन सा लेंगे, है ना, तो आर डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, तो इसके सेंटर से लेके यहाँ तक, ऐसे हम ले सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी ऐसा जो है इक्वल डेंसिटी है, ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, ऐसा कोई भी स्फेरिकल शेल है हॉलो, और उसके बाहर कोई अगर हम पॉइंट मास रखते हैं, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, जैसे पूरा उसका मास, शेल का पूरा मास जैसे उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड होगा, उस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। और हम जो डिस्टेंस है वो कैसे लेंगे, तो इसके सेंटर से आपका जो ये पॉइंट मास है उस तक का डिस्टेंस ले सकते हैं, मतलब आर इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द शेल एंड दिस पॉइंट मास, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप दिमाग में रखना। सेकंड पॉइंट है कि हमारे पास अगर ऐसा हॉलो स्फीयर है और उसके अंदर कोई अगर हम पॉइंट मास रखे, तो सपोज मैंने यहाँ पर पॉइंट मास रख दिया एम, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। देखिए इसके लिए मैं ऐसे सोचूं अगर कि मैं ऑपोजिट साइड इसके दो ऐसे पॉइंट मास ले लूं, ओके, तो फिर क्या होगा, ये जो है इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स ये जो है वो अपनी तरफ ऐसे लगाएगा, तो ये दोनों फोर्स कैसे हुए, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो कैंसल आउट हो गए। ऐसे ही ये दोनों पॉइंट ले लीजिए आप, तो ये ऐसे फोर्स लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा, यहाँ पर दो पॉइंट ले लूँ तो ये ऐसे लगाएगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा, है ना, ये भी, ये दोनों पॉइंट ले लीजिए, ये यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हुआ इसका, जीरो। मतलब कि अगर आपके पास ऐसी कोई भी हॉलो स्फेरिकल शेल है और उसके अंदर अगर आप कोई पॉइंट मास रखते हैं, तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज बी जीरो, ओके। तो आप ये हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ ट्वेल्थ में भी वो काम आएगा आपको, और आप जब कोई एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उसमें भी ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारी वो चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में और फिर बोल रखा है कि ये स्फीयर के अंदर इनसाइड है ना, इनसाइड कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो आप जीरो ही डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि शेल के अंदर कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा, नेट फोर्स जीरो हो जाता है इसलिए। और ऐसे ही इसमें हमने जो बोला उसमें क्या बोला कि जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, उसके सेंटर की तरफ, ओके। तो बहुत ही टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो आप वो हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैं जो बात करने जा रही हूँ वो है कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट। आपको पता है कि जो साइंटिस्ट थे कैवेंडिश, उन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो जो था कैपिटल जी, उसकी जो वैल्यू थी वो उन्होंने फाइंड की थी। वो कैसे फाइंड की थी, उसका एक एक्सपेरिमेंट है, तो वो मुझे आपको बताना है, ओके। जी कैसे फाइंड किया था, उन्होंने क्या किया, एक जो है ऐसा एक वायर ले लिया और यहाँ से उसे लटका दिया है, उसके नीचे एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है ए बी जिसकी लेंथ है एल, कैपिटल एल मैं बोल रही हूँ, इसका सेंटर ये है और यहाँ से एल लेंथ का एक रॉड है, उसे हमने लटका दिया है, ठीक है, ये है वो पूरा वायर है, ओके।
ये जो है वो फिक्स है यहाँ से और यहाँ से हमने उसे सस्पेंड किया है। ओके, देखिए अब क्या होगा, इन दोनों के यहाँ पर हम लेड के दो बॉल लगा रहे हैं जिनका मास है स्मॉल m, ठीक है, और दो जो दूसरे जो हैं वो स्फीयर ले रहे हैं और उसका जो मास है वो है कैपिटल m, वो भी लेड के ही है, और दोनों को यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब इनका डिस्टेंस बिटवीन दीज टू आर d एंड दिस इज d, ओके, तो ये d डिस्टेंस पर दो जो है वो हमने फिर लेड के स्फीयर लिए हैं और दोनों को कैसे हमने रखा है ऑपोजिट साइड पर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे हम नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, ये जो है उसकी वजह से, मतलब ये जो बड़ा जो है वो स्फीयर, वो इस छोटे पर क्या होगा, फोर्स लगाएगा, तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स ये जो है वो अपनी तरफ ऐसे लगाएगा, तो क्या होगा, आप ऐसे सोचिए, एक अगर पेंसिल ले ले आप और ऐसे आप उसे लटका दे और यहाँ पर अगर फोर्स लगाए, एक पर ऐसे फोर्स लगा रहे, एक पर ऐसे फोर्स लगा रहे, तो वो क्या करेगा, इसके आसपास ऐसे घूमने लगेगा। ओके, मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स जो लगा वो नेट फोर्स तो ज़ीरो है, क्यों, जितना इस तरफ लग रहा है उतना ही इस तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना लिख सकते हैं, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, इतना फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में, लेकिन वो इक्वल एंड अपोजिट है तो उसका नेट फोर्स तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एल है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क कितना होता है आपको पता है, एक फोर्स की वैल्यू लेते हैं और दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो हम लेते हैं, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू लिख सकते हैं जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर इंटू एल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इतना टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगने की वजह से ये जो हमारा रॉड है वो जो वायर हमने जो लटकाया है उसे ऐसे घुमाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पूरा वायर है वो ऐसे घूमने की वजह से उस जो वायर है वो ऐसे ट्विस्ट होगा, ठीक है, तो सपोज जो है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है वो थीटा है, ठीक है, तो फिर उसमें क्या होगा, उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो लगेगा और वो थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो हम लिखेंगे टाउ इंटू थीटा, ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ टॉर्क लिखूंगी, ओके, ग्रेविटेशनल की वजह से टॉर्क, इसे सपोज मैं कैपिटल टी लिख देती हूँ, ओके, तो इतना जो है वो रिस्टोरिंग जो है वो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, ठीक है, और उसकी वजह से मतलब क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी तो क्या हो रहा है वो आप सोचिए, कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो रॉड को ऐसे घुमा रहा है, तो उसकी वजह से जो वायर है वो ट्विस्ट हो रहा है, तो फिर रिस्टोरिंग टॉर्क उसके ऑपोजिट लगेगा, ठीक है, और उसको जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा, तो जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तब हम लिख सकते हैं टाउ इज कॉन्स्टेंट, टाउ थीटा इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर इंटू एल, और पहले से ही हम ये जो है वो थीटा और टाउ जो है वो फाइंड करके रख सकते हैं, और किसी एक्सपेरिमेंट से जिसके बारे में हमें पता है, तो फिर यहाँ से हम जी जो है वो फाइंड कर सकते हैं टाउ थीटा इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम एम एल, ओके, यहाँ से हम जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और कैवेंडिश ने जी की जो वैल्यू है वो फाइंड की 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसे उसने उसकी वैल्यू फाइंड की। बहुत सिंपल ही एक्सपेरिमेंट था कि ऐसे मतलब क्या लटका दिया, एक वायर लटका दिया, नीचे रॉड लटका दिया, दो जो थे लेड के दो बॉल्स और स्फीयर बोल सकते हैं ऐसे दोनों रख दिए, स्मॉल एम सा जो उसका मास है, और दो जो बड़े स्फीयर थे लेड के उसको कैसे रखा, एक दूसरे के अपोजिट साइड पर, तो ये बड़ा वाला छोटे पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स ज़ीरो है, लेकिन उसकी वजह से टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क की वजह से ये पूरा घूम रहा है, तो उसकी वजह से जो वायर है वो ट्विस्ट हो रहा है, और उसमें क्या होगा, फिर रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा,
और इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आएगी तो दोनों जो टॉर्क हैं वो इक्वल हो जाएंगे और उस पर से उसने जी की वैल्यू जो है ऐसे फाइंड की थी। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसकी बारे में हमें बात करनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो गया। ओके, तो जी की वैल्यू के बारे में हमें बात करनी है। तो पहले आप सोचिए कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तब हम बोलते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एफ है तो ए जितना एक्सेलरेशन जो है वो उसमें प्रोड्यूस होगा बॉडी में। ठीक है, अगर ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ये जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू एम जी। तो अगर हमें जी फाइंड करना है तो जी इज इक्वल टू एफ बाय एम बोल सकते हैं। तो ऐसे हम जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है उसे हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, उस पर से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, पहले मैं यहाँ पर जो बात करूँगी वो हमारी अर्थ के बारे में हमें बात करनी है। सपोज़ ये हमारी अर्थ है, तो जो पूरी जो अर्थ है उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि वो बहुत सारी जो हॉलो स्फेरिकल शेल है उससे बनी है। देखिए, एक शेल ये हो गई, इस उसके अंदर दूसरी शेल सोच लीजिए आप, उसके अंदर तीसरी शेल, ऐसे करते करते सेंटर तक जाइए, सेंटर में सबसे छोटी वाली शेल होगी। ठीक है, ऐसे हम सोच सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई एम मास रख रही हूँ, पॉइंट मास, अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके बारे में अगर मुझे बात करनी है तो हमें पता है कि फोर्स किस तरफ लगेगा, तो इसके सेंटर की तरफ, मतलब कि इसका पूरा जो मास है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड ले सकते हैं, उसके सेंटर पे। मतलब मास ऑफ अर्थ मैंने उसे एम ई से डिनोट किया है। ठीक है, तो वो जो है वो पूरा कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, उसके सेंटर पर। ओके, तो यहाँ से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मैं उसे r बोल रही हूँ। ओके, तो अगर इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, वेर r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। वो हमेशा ध्यान में रखना, r जो डिस्टेंस हमें लेना है वो कहाँ से लेना है, अर्थ के सेंटर से। उसमें कभी भी कोई भी गलती मत करना। ठीक है, तो ये जो है वो फॉर्मूला हमें किसकी मिल गई, फोर्स के लिए। तो अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज इक्वल टू क्या है, f बाय m। तो मैं f है उससे m से डिवाइड करूँगी तो m m कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब मेरे पास क्या फॉर्मूला बन गया, g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। और ये फॉर्मूला जो है हमें बताता है कि r जैसे जैसे इंक्रीज होगा g क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछ रही हूँ, अगर यहाँ पर मैंने एक चींटी रखी है और एक हाथी, दोनों में से किसके लिए जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जी की वैल्यू दोनों में से किसके लिए ज़्यादा होगी, एलिफेंट हाथी के लिए या एंट चींटी के लिए, किसके लिए ज़्यादा होगी, सोचिए एक सेकंड के लिए। दोनों के लिए जी की वैल्यू सेम होगी। देखिए, इसकी जो फॉर्मूला है उसमें कहीं पर भी जो हम जो यहाँ पर जो पॉइंट मास रखते हैं उसका मास कहीं पर लिखना नहीं है। ये फॉर्मूला में क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, मास ऑफ अर्थ है, और आर जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू द जो पॉइंट मास है वहाँ तक का। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ हम रखते हैं तो उसका मास जो है वो यहाँ रखना ही नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि जी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितने मास का हमने जो है वो कोई भी बॉडी रखी है उस पर वो डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हमारा जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी फॉर्मूला हमें मिल गई, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जो मैं आगे बात कर रही हूँ वो ऐसे समझाऊंगी, जहाँ पर मास ऑफ अर्थ हमें अगर फाइंड करना है तो ऐसे लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी अर्थ की एक एक जैसी हम ले सकते हैं, मतलब रो, और जो वॉल्यूम है
वो होगा 4/3 pi re³, re मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ओके। तो ये जो है वो होगा मास ऑफ अर्थ, ऐसे हम उसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि जो अर्थ है वो पूरी ऐसी गोल नहीं है, है ना, वो ऐसे हम बोल सकते हैं नारंगी जैसी है, ऑरेंज जैसी, मतलब कि वो जो है ऐसी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ सेंटर से अगर बोले तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग होगा, है ना, ये डिस्टेंस यहाँ अलग होगा और ये डिस्टेंस अलग होगा। मैं आपको बता दूँ, ये जो डिस्टेंस है, ये जो है वो पोल है, आपको पता है ना, तो पोल से इसका जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर इतना ज़्यादा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आर ज़्यादा है, आर ज़्यादा है तो जी कम होगा। तो आपको अगर कोई पूछे कि अर्थ की सरफेस पर कहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो कहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पोल पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेडियस जो है वो कम है, आर कम है, तो आर कम है तो जी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसे जो है वो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि अगर आप जो है वो अर्थ की सरफेस पर है, अर्थ की सरफेस पर है मतलब यहाँ पर है, ये जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, तो r इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब ये जो है मास मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये जो डिस्टेंस है वो r इज इक्वल टू re हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू re लिख दीजिए, तो फिर ये फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, अर्थ की सरफेस पर लिख रहे हैं इसलिए मैं जी ई लिख रही हूँ, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, gme/re². अब यहाँ पर सब वैल्यू मुझे पता है, मास ऑफ अर्थ का पता है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, वो सारी चीज़ें मुझे पता है, तो वो अगर हम रख दें तो हमें एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, वो होगी 9.8 m/s², मतलब कि अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, तो 9.8 m/s², हमेशा दिमाग में रखना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मास ऑफ अर्थ की ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे डाल दें और उस पर से भी वो आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ी बातें थी। और हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो दिया है वो ऐसे दिया है कि अर्थ के आप इतना अंदर, यहाँ पर कोई अंदर, अर्थ के अंदर यहाँ पर कोई पॉइंट मास रखते हैं तब हम कैसे वो गिनेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर जाते हैं या डेप्थ में जाते हैं तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, बढ़ती है, घटती है, क्या होता है, मतलब इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्या होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बात करेंगे। तो आज जितना भी बोला है वो आप फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और मेन जो 2 points थे वो आप हमेशा जो है दिमाग में रखना कि होलोस्फेरिकल शेल होता है और अगर उसके इनसाइड कोई पॉइंट मास रख दे तो उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी ज़ीरो। और अगर आउटसाइड अगर पॉइंट मास रखते हैं तो फोर्स कैसे लगेगा, जैसे पूरा उसका मास इसके सेंटर पर हो, इस तरह इससे इसके सेंटर की तरफ जो है वो फोर्स लगेगा, ये आप खास दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये पूरा रिवाइज कर लेना बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।